फ्रेंड्स, मेरे कई ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कहते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच पर एक वीडियो बनाएं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो मैं एग्जाम के पर्पस से शूट किया ताकि अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सीखे कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है, यानी अलंकार क्या है। नॉर्मली अलंकार 7 तरह के होते हैं, जैसे सिमली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरन, हाइपरब्ली और ओनोमेटोपिया। तो आइए फ्रेंड्स देखें कि ये सभी क्या हैं और कैसे आप पहचानेंगे कि किसी सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है। हमारा सबसे पहला अलंकार है सिमली, जिसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। यह एक ऐसा अलंकार है जहां पर दो अलग अलग नाउन को कंपेयर कराया जाता है और दोनों में एक क्वालिटी सेम बताई जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो अलग अलग नाउन हैं। पहला शी, सी एक प्रोनाउन है जो किसी नाउन के जगह पर आया हुआ है, यानी किसी औरत के नाम के जगह पर आया हुआ है। और दूसरा ड्यू, तो ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं और यहाँ दोनों में तुलना कराया गया है, यानी कंपेयर हुआ है। और कंपेयर कराने के बाद यहाँ एक क्वालिटी सेम बताई गई है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में एक जो क्वालिटी है वो सेम है या वो बराबर है। जैसे सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, यानी वह उतनी फ्रेश है जितना कि ड्यू, यानी दोनों की फ्रेशनेस बराबर है। तो फ्रेंड्स, ये है सिमली, यानी उपमा अलंकार, जहां दो अलग अलग नाउन को कंपेयर कराया जाता है और कंपेयर कराने के बाद उनमें एक क्वालिटी सेम बताई जाती है, यानी ये बताया जाता है कि दोनों में एक क्वालिटी सेम है या बराबर है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कंपेयर का काम यानी अगर तुलना का काम एक ही जाति के दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो तो सिमली नहीं कहलाएगी। सिमली के लिए जरूरी है कि दो अलग अलग नाउन हो, यानी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो। अगर वो नाउन एक ही जात से हैं, तो फिर वो कंपैरिजन होगा, न कि सिमली। आइए इस बात को एग्जांपल में समझें। ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर। यहाँ दो अलग अलग नाउन या प्रोनाउन आए हुए हैं, पहला ही और दूसरा हिज ब्रदर, लेकिन ये दोनों एक ही जात से हैं। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, ये अलग अलग जात से नहीं हैं। जैसा कि आप यहाँ देखें, ये दोनों एक नहीं हैं, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पर ही और हिज ब्रदर, ये दोनों एक ही जात की बात हो रही है, तो ये सिमली नहीं है, ये कंपैरिजन है। क्योंकि सिमली के लिए जरूरी है कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हों, यानी दो अलग अलग नाउन या प्रोनाउन हो और दोनों में कंपेयर कराकर एक बात समान दिखाई जाए। आइए फ्रेंड्स, अब मेटाफोर के बारे में सीखें। इसे हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं और यह एक ऐसा अलंकार है जहां दो अलग अलग नाउन को एक ही मान लिया जाता है। यानी यहां सिमली के जैसे ये नहीं बताया जाता कि पहला वाला नाउन दूसरे के जैसा है, बल्कि यहाँ पर पहले वाले नाउन को दूसरा मान लिया जाता है। जैसा कि हमने सिमली में सीखा, यानी वहाँ हमने ये सीखा कि पहला वाला नाउन दूसरा नहीं है बट दूसरे के जैसे है। लेकिन मेटाफोर में ये नहीं बताया जाता कि पहला वाला नाउन दूसरे के जैसा है, बल्कि ये बताया जाता कि पहला वाला नाउन ही दूसरा है। जैसे लाइफ इज ड्रीम। फ्रेंड्स, लाइफ एक अलग चीज है, ड्रीम एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर बताया गया लाइफ इज ड्रीम कि ये जो लाइफ है वो ड्रीम है, यानी लाइफ ही ड्रीम है, जीवन ही स्वप्न है। तो फ्रेंड्स, ये है मेटाफोर, यानी रूपक अलंकार। यहाँ पर ये बताया जाता है कि कोई एक नाउन ही दूसरा है। आइए फ्रेंड्स दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द केमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का मीनिंग है, यहाँ पर द केमल का कंपेयर शीप से की गई है और यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि जो केमल है वो शीप के जैसा है, बल्कि यहाँ पर ये बताया गया कि केमल ही शिप है, यानी ऊंट ही जहाज है। तो फ्रेंड्स, मेटाफोर यानी रूपक अलंकार में किसी एक नाउन को दूसरा मान लिया जाता है, यानी ये बताया जाता है कि पहला वाला ही दूसरा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, द केमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। रेगिस्तान का जहाज कौन है? ऊंट है। पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीयकरण अलंकार। फ्रेंड्स, इस अलंकार में किसी नॉन लिविंग नाउन को लिविंग मान लिया जाता है, यानी किसी बेजान नाउन को ऐसे पेश किया जाता है, ऐसे बोला जाता है मानो कि उसके अंदर जान हो। यहाँ पर लिखा हुआ है लव इज ब्लाइंड। यहाँ लव को ऐसे पेश किया गया है मानो कि लव एक इंसान हो हम लोगों के जैसा और जो देखता हो, जबकि ऐसी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार का इस्तेमाल हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्ड लव को ऐसे पेश किया गया है मानो कि उसके अंदर जान हो।
पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीय करण अलंकार में यही होता है कि किसी नॉन लिविंग नाउन को लिविंग मान लिया जाता है। आइए फ्रेंड्स दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द मून वेयर हर फेस, चांद अपने चेहरे पर घूंघट डाली है। तो फ्रेंड्स क्या आपको लगता है कि चांद हम लोगों के जैसे कोई लिविंग नाउन है जो अपने चेहरे पर घूंघट डालेगी? नहीं, चांद लिविंग नहीं है बल्कि नॉन लिविंग है। लेकिन सेंटेंसेस पढ़ने पर ऐसा पता चल रहा है कि यह एक लिविंग नाउन है जो अपने चेहरे पर घूंघट डाली हुई है। तो फ्रेंड्स अगर आपसे कोई पूछे कि इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है तो आप कहेंगे यहाँ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, यानी यहाँ मानवीय करण अलंकार है जहाँ किसी नॉन लिविंग नाउन को लिविंग मान लिया गया है। अपोस्ट्रोफे यानी संबोधन अलंकार। फ्रेंड्स इस अलंकार में हम किसी नॉन लिविंग नाउन को लिविंग मान लेते हैं और लिविंग मानने के बाद उसको बुलाते हैं या उसको संबोधन करते हैं या उसको एड्रेस करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपने पर्सोनिफिकेशन में सीखा कि किसी नॉन लिविंग नाउन को लिविंग मान लिया जाता है, लेकिन अपोस्ट्रोफी में किसी बेजान नाउन को जानदार तो मान ही लिया जाता है, साथ ही साथ उसे संबोधन भी किया जाता है, उसे पुकारा जाता है, उसे बुलाया जाता है या उसे एड्रेस किया जाता है। जैसे ओ डेथ कम सून। फ्रेंड्स आप यहां पर गौर करेंगे कि यह एक बेजान नाउन है लेकिन इसे ऐसे पेश किया गया है मानो कि यह चलती हो। जैसे मैंने कहा ओ डेथ कम सून, ओ मौत जल्दी आ। तो क्या आपको लगता है कि मौत हम जैसे कोई इंसान है जिसके दो पैर हैं और पैरों पे चल के आएगी? नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आपसे कोई पूछे कि यह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है यानी कौन सा अलंकार है तो आप कहेंगे यहाँ अपोस्ट्रोफे यानी संबोधन अलंकार है। यहाँ पर किसी बेजान नाउन को जानदार मान लिया गया है और जानदार मानकर उसे पुकारा जा रहा है, उसे बुलाया जा रहा है। आइए फ्रेंड्स अब ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास अलंकार के बारे में सीखें। फ्रेंड्स यह एक ऐसा अलंकार है जहां पर किसी एक ही नाउन के दो अपोजिट क्वालिटीज को बताई जाती हैं, यानी दो विरोधी गुणों को बताई जाती हैं। ही इज रेगुलरली इररेगुलर। तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं रेगुलरली यानी नियमित रूप से, इररेगुलर और नियमित। तो रेगुलरली और इररेगुलर यह दो अलग अलग गुण हैं जो एक ही इंसान के अंदर बताई जा रही है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ कौन सा अलंकार का इस्तेमाल किया गया है तो आप कहेंगे यहाँ पर ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। क्यों? क्योंकि इस अलंकार में यही तो बताया जाता है कि एक ही वस्तु में या एक ही नाउन में दो अलग अलग विरोधी गुण यानी दो अलग अलग अपोजिट क्वालिटीज। लाइफ इज बीटर स्वीट, लाइफ कड़वी मिठास है। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि मैं बात यहाँ लाइफ की कर रहा हूँ लेकिन उसके बारे में मैं दो अलग अलग अपोजिट क्वालिटीज के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी ये एक ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपस में विरोध दिखाती हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं। जैसा कि आप जान सकते हैं फ्रेंड्स बीटर मीन्स कड़वा, स्वीट मीन्स मीठा। तो मीठा का उल्टा कड़वा होता है या कड़वा का उल्टा मीठा होता है। तो मैं कहा लाइफ इज बीटर स्वीट, जो लाइफ है वह एक कड़वी मिठास है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने कैसे किसी एक नाउन में दो अलग अलग या दो अपोजिट गुणों के बारे में बात किया। तो फ्रेंड्स अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर कौन सा अलंकार का इस्तेमाल किया गया है तो आप बेहिचक कहेंगे यहाँ पर ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास अलंकार का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इस सेंटेंस में किसी एक नाउन के बारे में दो अलग अलग अपोजिट क्वालिटीज को बताया गया है, दो अलग अलग विरोधी गुणों को बताया गया है। आइए फ्रेंड्स अब हाइपरबली यानी आतिशयोक्ति अलंकार के बारे में सीखें। इसे उर्दू में मुबालगा कहते हैं। फ्रेंड्स इस अलंकार में हम किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर या बहुत घटा कर कहते हैं, यानी हकीकत से कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। जैसे आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस। इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि मैंने उसे सदियों से नहीं देखा है। सदियों से, फ्रेंड्स एक सदी में 100 साल होते हैं। अब यहाँ पर कोई कह रहा है कि मैंने उसे सदियों से नहीं देखा है तो एक इंसान की उम्र क्या होगी? आपको ये बात पता है तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है कि मैंने उसको सदियों से नहीं देखा है? तो फ्रेंड्स अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ कौन सा अलंकार का इस्तेमाल हुआ है तो आप कहेंगे यहाँ पर हाइपरबली का इस्तेमाल हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है। फ्रेंड्स लिखा हुआ है रिवर्स ऑफ ब्लड
फ्लोट इन द बैटल, खून की नदियां बही। क्या आपको ये बात कुछ अजीब नहीं लगा? लेकिन अगर कोई ये कहे कि खून की दरियाएं बही तो ऐसा कहना गलत होगा। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है। तो अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिले जहां किसी बात को हकीकत से कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला गया हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हाइपरबली यानी आतिशयोक्ति या मुबालगा अलंकार का इस्तेमाल हुआ होता है। आइए फ्रेंड्स, अब लास्ट अलंकार के बारे में देखें, और वो है ऑनोमेटोपिया यानी ध्वनि सूचक अलंकार। फ्रेंड्स, इस अलंकार में अलग अलग जानवर, अलग अलग परिंदे, अलग अलग आवाज के लिए अलग अलग इंग्लिश वर्ड का यूज करते हैं, जो कि इस अलंकार में बताया जाता है। जैसे बीज हम, मक्खियां भिन भिनाती हैं, द कैट म्यूज, बिल्ली म्याओ म्याओ करती है, द स्नेक इज हिसिंग। तो फ्रेंड्स, ओनोमेटोपिया ये एक ऐसा अलंकार है जहां पर शब्दों की आवाज से अर्थ का पता चलता है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको फिगर ऑफ स्पीच का लेसन शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।